क्या जानती हो तुम? उनकी आंखों में लाचारी और बेबसी देखी है तुमने? उनकी चीखें सुनी है तुमने? क्या सोचा था, बैंकॉक का नाइट क्लब होगा, थाई मसाज होगी, हैप्पी एंडिंग वाली? मैं शिकायत नहीं कर रहा। क्यों करोगे, 100 मर्दों की ताकत नहीं चाहिए? ये है सुकून, दो खिड़कियों के बीच में ये खूबसूरत सा नजारा, मीठे अंगूर, टीवी पर ये मैच और सेक्स के लिए तुम बस। इस फिरदौस का क्या करूं मैं, इस फिरदौस का क्या करूं, जहां बस याद ही तेरी। फिरदौस मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं शॉर्ट फिल्म नहीं बनाना चाहता, क्योंकि क्योंकि मैं तो वैसे भी बॉलीवुड में अच्छा ही काम कर रहा था और सक्सेसफुल फिल्में कर रहा था, तो मेरे जैसा एस्टैब्लिश्ड राइटर को एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन उन दिनों क्या हुआ कि पेशावर में अटैक्स हुए, पेशावर में कुछ टेररिस्ट ने, पाकिस्तान के ही टेररिस्ट थे और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ही एक बेस पे, आर्मी के स्कूल पे अटैक किया और कुछ बच्चों को मार दिया। तो मुझे वो समझ में नहीं आया, मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे लगा कि ये क्या रीज़न है, ये क्या कारण है कि एक एक तरह के लोग अपने ही लोगों पे गोलियां चलाएं। आप औरों पे, जिनको आप और समझते हो, गैर समझते हो, उन पे गोली चलाते हो, वो भी गलत है, मगर वो मेरी समझ में आता है। लेकिन आप अपने लोगों को मारना चाहते हो तो उसका क्या मोटिवेशन हो सकता है, ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ने की, समझने की कोशिश की कि जितना भी टेररिज्म दुनिया में फैल रहा है वो किस वजह से फैल रहा है, क्या मोटिवेशन है उनका, क्या चाहिए उनको कि वो ये कर रहे हैं। तो जितना मैं पढ़ता गया, जितना लोगों से मिलता गया, बात करता गया, बार बार यही वर्ड आता गया, फिरदौस फिरदौस फिरदौस, जन्नत जन्नत जन्नत, वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ऐसी जगह ऐसी जगह। और सिर्फ इस्लामिक धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में भी स्वर्ग होता है, एक क्रिश्चियंस में भी हेवन होता है, तो हर एक धर्म में एक एक फिरदौस की कल्पना हर एक धर्म में है और वही लोगों को ललचाती है गलत करने के लिए। तो ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी, उसी को आकार देने के लिए, उसी को अंजाम देने के लिए। मैंने उसको नकारा नहीं है इस फिल्म में। तो फिरदौस एक फैंटेसी है, एक फैंटेसी फिल्म है, एक ऐसी संभावना की चर्चा ये फिल्म करती है कि आपने जैसा सोचा था वैसा अगर आपको एक स्वर्ग मिल भी गया, वैसा एक हेवन मिल भी गया, तो क्या, उसके बाद क्या, ये वो कहानी है। रिफ बहुत ही अच्छा फेस्टिवल मुझे लगा। वैसे हमारी फिल्म कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जा चुकी है, मगर इंडिया के फेस्टिवल्स में, क्योंकि फिल्म के बिगिनिंग में एक ऑन ब्लैक एक लिखा हुआ आता है कि दिस इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन जस्ट लाइक रिलीजन, तो हम रिलीजन को लेके इंडिया में बहुत सेंसिटिव हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स को इस पे एतराज़ भी है और प्रॉब्लम भी है, और इतनी हर एक फेस्टिवल की, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये फिल्म दिखा सकें। मगर रिफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ में इस फिल्म को लिया और ऑडियंस के सामने दिखाया। आई थिंक द सिलेक्शन ऑफ फिल्म सेट रिफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेलिजेंट। आई थिंक द पैनल डिस्कशन आर फैंटेस्टिक। बहुत ही वैरीड ग्राउंड कवर करने की कोशिश की है सोमेंद्र जी ने, और बहुत ही अच्छे पैनल डिस्कशन और बहुत ही अच्छा क्यूरेशन है टॉपिक्स का। तो आई होप टू कम अगेन फॉर रिफ अगेन एंड अगेन। आई होप आई विल मेक अनदर फिल्म एंड कम, एंड आई होप आई विश ऑल माई लक टू राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।